नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ दुष्या खबर। जानेंगे विस्तार से कर्नाटक की सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण होगा। देखा जाए तो कोर्ट से बीजेपी को ये बड़ा झटका लग रहा है। येदियुरप्पा सरकार पर पास बहुमत साबित करने के लिए अब 30 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि कल येदियुरप्पा का ताज बचेगा या फिर जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, हालांकि बीजेपी के वकील ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, जिस कोर्ट ने नकार दिया था। और कांग्रेस की मांग को मानते हुए कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए कल शाम 4 बजे का वक्त तय कर दिया है। दिल्ली ब्यूरो हेड अरविंद खोकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, ताज मिलेगा या बचेगा इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए झटका है। जहाँ कोर्ट ने कांग्रेस की मांग नहीं मानी कि इनकी जो ताजपोशी हुई है येदियुरप्पा जी, उनको रोका जाए, तो वहीं बीजेपी की कोर्ट ने यह बात नहीं मानी है कि बहुमत साबित करने के लिए और ज्यादा समय, यहाँ तक कि बीजेपी के वकील ने सोमवार तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए 28 घंटे का समय दिया है, जो कल शनिवार 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की एक कोशिश की कि एंग्लो इंडियन एक मेंबर वहां विधानसभा में नियुक्त किया जा सकता है, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया येदियुरप्पा ने शुरू कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रक्रिया भी रोक दी है। तो बीजेपी का एक तरह से एक जो वोट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते कम हो गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, जिसके चलते बीजेपी को अपना बहुमत साबित करने में परेशानी आ सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ये नहीं होगा, बल्कि खुली जो ओपन मेजोरिटी के जरिए इसको साबित किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तुरंत सरकार बचेगी या जाएगी, इसका फैसला मात्र 28 घंटे में कल 4 बजे तक हो जाया था। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बीजेपी के जो नेता है, उनमें वो आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम कल बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के और तमाम जो वकील हैं वो आज के फैसले को अपनी जीत बता दें और कह रहे हैं कल ये पूरी बीजेपी की जो रणनीति थी कल ये फेल हो जाएगी और येदियुरप्पा सरकार कल नहीं रह पाएगी। तो कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे कर्नाटक की राजनीति और देश की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। दोनों कांग्रेस की मांग को मानते हुए कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए कल शाम 4 बजे का वक्त दिया है, यानी 30 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, क्या कह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस फैसले को अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस के जो वकील थे, उन्होंने फैसले के बाद खड़ा करके कहा कि आज का ऐतिहासिक फैसला है और बीजेपी को ये झटका लगा है। लेकिन बात सारी जिसको कह सकते हैं फैसले का नफल हुआ ये है कि जो वेजू भाई पटेल ने जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो येदियुरप्पा को अपनी बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन के समय को घटाकर कोर्ट ने 28 घंटे का कर दिया है। अब 28 घंटे में बीजेपी बहुमत साबित कर पाती है नहीं कर पाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के फैसले से दोनों पार्टियों को झटका है, जहां कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि येदियुरप्पा की जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। अगर यहां देखा जाए तो कोर्ट से बीजेपी को ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या स्थिति नजर आ रही है, जोर तोड़ की कोशिश क्योंकि जरूर चल रही होगी? देखिए, जोर तोड़ की तो कोशिश सभी पार्टियां करती है, जिसको अगर ये नहीं किया जाए जोर तोड़ के बिना तो संभव है नहीं। देखिए, बीजेपी के पास जो विधायक संख्या 104 है, बहुमत साबित करने के लिए 112 की जरूरत है, तो 8 विधायक बिना जोर तोड़ के तो आना संभव ही नहीं है। क्या उनकी अंतर आत्मा की आवाज के नाम से उनको लाया गया या उनको प्रशासित कराया गया, जैसे भी कराया, लेकिन यह संभव नहीं है कि जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों में खून लगाए बिना बीजेपी की मेजोरिटी साबित नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और यही तर्क जो है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रखा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए शक्ति परीक्षण का जो समय है 15 दिन से घटा करके वो 28 घंटे कर दिया। हालांकि कांग्रेस की मांग थी इसको तुरंत कराया जाए, लेकिन बीजेपी के वकील ने सोमवार तक का समय मांगा था, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 28 घंटे का समय दिया है। और बीजेपी को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक बीजेपी की सभी विधायकों की सुरक्षा तय की जाए। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद।